महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगाने जैसी स्थिति है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा और ना ही मुंबई लोकल बंद होगी। आपको बता दें, राजेश टोपे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई लोकल बंद नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर तत्काल रोक लगाने का भी कोई विचार नहीं है, लोग आ जा सकते हैं। राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में करीब 70 से 80 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली है और मुंबई में प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे शरद पवार रोज सुबह बात करते हैं। उनका कहना था कि हर दिन आंकड़े डबल हो रहे हैं, यह चिंताजनक है, लेकिन समाधान है कि बेड की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा 85% बेड खाली है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ नहीं रही है। हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड कुछ हद तक हुआ है, जिस पर हमारी नजर है। राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र का डेस्क बोर्ड होगा जो सारी जानकारी देगा, जहां मरीजों की संख्या से लेकर बेड ऑक्सीजन की सारी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का संक्रमित होना चिंता का विषय है, कई विधायक भी संक्रमित हैं, सभी को अपना ख्याल रखना जरूरी है। हमने किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, स्कूल और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। टास्क फोर्स का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग करना इतना जरूरी नहीं है, ऐसे में जो लोग घर में होम क्वारंटाइन है उनके एडवाइजरी जारी की जाएगी। अब तक 85% लोग घर में ही उपचार करा रहे हैं, आज शाम तक उनके लिए भी प्रोटोकॉल आएगा, उसके आधार पर उन्हें पता चलेगा किस तरह से उपचार करना है। आपको बता दें, उद्धव सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा और ना ही मुंबई लोकल बंद होगी, ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान आया है सामने। पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और मामले को देखते हुए फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति लॉकडाउन लगाने जैसी नहीं है और ऑक्सीजन की खपत और जो मांग है ज्यादा नहीं हो रही है। राजेश टोपे।